नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश अंगवाला में। दोस्तों, आज मैं जिस कंपनी का प्रोडक्ट लेकर आया हूं वो उसकी कंपनी का नाम है निप्पॉन पेंट। निप्पॉन पेंट पिछले 13 सालों से इंडिया की मार्केट में काम कर रही है और ये लगभग 4 से 5 सालों में अपना नॉर्थ में भी आ रखी है। दोस्तों, ये जो कंपनी है इंटरनेशनल कंपनी है, निप्पॉन जापानीज कंपनी है जो कि अपने आप को कहती है एशिया की रियल नंबर वन पेंट कंपनी। ये बहुत से आसपास के कंट्रियों में, एशिया की कंट्रियों में अपने पेंट बेचती है और इसकी जो पेंट की क्वालिटी है वो इंटरनेशनल कैटेगरी की होती है। दोस्तों, इस कंपनी में बहुत से प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं, बट इसका एक यूनिक प्रोडक्ट मुझे दिखाई पड़ा है जिसका नाम है निप्पॉन पेंट का एटम 2-in-1। जी हाँ दोस्तों, एटम 2-in-1 मिड रेंज का मल्टीपर्पज पेंट है। ये अंदर और बाहर की दोनों दीवारों में आसानी से लगाया जा सकता है। इसकी फिनिश जो आती है मैट फिनिश है, इसको धुल सकते हैं। लगभग इसकी लाइफ 4 से 6 साल होती है और ये इंटीरियर एक्सटीरियर में जो कवरिंग इसकी आती है, अंदर की जो कवरिंग आती है इंटीरियर, वो लगभग 100 स्क्वायर फीट से लेके 110 स्क्वायर फीट डबल कोट, 1 लीटर में डबल कोट। दूसरा, बाहर की दीवारों पे जो कवरिंग आती है 45 से 50 स्क्वायर फीट 1 लीटर में डबल कोट। ठीक है, अगर डार्क शेड होता है तो कवरिंग थोड़ी सी कम आ सकती है। दोस्तों, इसको लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है बाकी कंपनियों के मुकाबले, के जो पेंट है उनके मुकाबले थोड़ा सा अलग है। ये अंदर अगर इसको लगाते हैं तो इसमें हमें लगभग 50% पानी मिलाना है, मतलब 1 लीटर में लगभग 500 ml पानी मिलाना है। लेकिन अगर इसको बाहर लगाते हैं तो इसमें लगभग 35% पानी मिलाना है, मतलब 350 ml पानी इसमें मिलाना है। ठीक है, डार्क शेड है, डार्क शेड में ध्यान दीजिएगा केवल 20 से 30% ही पानी मिलाया जाता है। ये कई बार लोगों ने पूछा है हमसे कि डार्क शेड में कितना पानी मिलाया जाता है, तो दोस्तों डार्क शेड में किसी भी कंपनी का डार्क शीट हो, डार्क शेड में 20 से 30% पानी मिलाइए तो उसकी फिनिशिंग बहुत परफेक्ट आती है। दोस्तों, इसको लगाने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि अगर हम इसको अगर अंदर लगा रहे हैं, पुट्टी पे लगा रहे हैं, पुट्टी लगा के अगर लगा रहे हैं तो वही कॉन्सेप्ट है जिसमें पहले प्राइमर लगाना है, फिर पुट्टी लगाना है, फिर प्राइमर लगाना है। दीवारों की अच्छी प्रिपरेशन करके मजाई करनी है। मजाई करने के बाद इसको दो कोट इसको लगाना है। ठीक है, दो कोट लगाने के बाद अगर इसमें डार्क शेड आप लगा रहे हैं तो लगभग 1-2 कोट आपको एक्स्ट्रा लगाना है। ध्यान दीजिएगा पहले से दूसरे कोट में लगाते समय 4 से 6 घंटे का समय होना चाहिए। दोस्तों, ये सूख तो वैसे आधे घंटे में जाता है, प्लस पहले से दूसरे कोट में 4 से 6 घंटे का समय देना चाहिए। बाहर के में भी इसी तरीके से है। बाहर अगर हम लगा रहे हैं तो उसमें 35% पानी मिलाना है 1 लीटर में, और उसके बाद इसको हमको डबल कोट लेना है। डार्क शेड में हमें केवल 20 से 30% पानी मिलाना है और 1-2 कोट एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो पेंट पे आप पानी मिला के रखते हैं, कोशिश करिए इसको 24 घंटे में ख़त्म करिए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें बैड स्मेल की प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी MRP जो है 175 रुपये का 1 लीटर, 4 लीटर 626 रुपये का, 10 लीटर 1488 रुपये का, 20 लीटर 2922 रुपये का, मतलब 2922। और मिड रेंज का पेंट है दोस्तों। मिड रेंज का पेंट में बहुत बेस्ट है कि आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि इसको अंदर लगाना है बाहर, आप बहुत आसानी से इसको अंदर बाहर आप कहीं भी लगा सकते हैं। दूसरा, अगर पेंट डीलर अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपको बहुत ज़्यादा बेसिस नहीं रखने पड़ते। आप कस्टमर को ये नहीं समझाना पड़ता कि अंदर के लिए लग लीजिए बाहर के लिए लग लीजिए। आप कस्टमर हैं तो आपको, यूज़र हैं तो आपको ये चीज़ें अपने कारीगर को नहीं बतानी पड़ती कि आप अंदर लगाएंगे कि तो बाहर लगाएंगे। दोस्तों, मिड रेंज के पेंट में ये एक यूनिक प्रोडक्ट है। कंपनी बहुत बढ़िया पेंट बना रही है, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रही है। थोड़ी स्लो चल रही है बट आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंडिया की मार्केट को बहुत अच्छे से कैप्चर करेगी और प्रोडक्ट की क्वालिटी जिस हिसाब से इनकी है, पैकिंग इनकी जिस हिसाब से है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये और कंपनियों को कंपटीशन बहुत तगड़ा देगी। तो दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में बस मैं यही बताता हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में हम फिर आपको एक नए प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
इसी के साथ आज अपना ब्लॉग मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच।